हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीटिंग लेसन्स बाय शिवानी, जिसकी आज की वीडियो में हम दो कलर का ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये बटरफ्लाई डिज़ाइन है और बहुत ही आसान है बनाने में, बहुत ही सुंदर लगता है बनकर और इसे बहुत इजीली आप बना सकते हैं। बिगनर लेवल का ये डिज़ाइन है, केवल निट पर्ल में ये डिज़ाइन बन जाता है। 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इसके लिए फंदे हमें 4 के मल्टीपल में प्लस 3 लेने हैं। तो 4 के मल्टीपल में प्लस 3 करके हमने यहाँ पर 35 फंदे अपनी सिलाई में लिए हुए हैं। इसकी पहली सिलाई हम बनाएंगे राइट साइड से। देखिए, ये डिज़ाइन दो कलर में बना हुआ है और जिसमें एक कलर हमारा लाइट है, एक कलर डार्क है। रेड कलर डार्क है, वाइट कलर हमारा लाइट है। तो अगर आप इसको लाइट कलर को बेस रखेंगे और डार्क कलर से इस पर डिज़ाइन बनाएंगे तो ये डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। फर्स्ट रो में हम डार्क कलर से अपने सेकेंड कलर हम रेड कलर से 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। ये देखिए, 3 फंदे हमने सीधे बुने। एक फंदे को हम बिना बुना ही उतार देंगे, फिर अगले 3 फंदों को बुनेंगे और एक फंदे को बिना बुना उतार देंगे। इसी तरह से इस पूरी सिलाई को हमें बनाना है। ये 3 फंदे हमने बुने, एक फंदा उतारेंगे, फिर से 3 बुनेंगे और फिर से एक उतारेंगे। फर्स्ट रो को बनाकर कंप्लीट करते हैं। देखिए, राइट साइड रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड में आ जाते हैं रो 2 के लिए। यहाँ पर जो रेड फंदे हैं जिनको हमने बुना है, इनको हम उल्टा बुनेंगे। और ये जो व्हाइट फंदा है इसको हम एज इट इज ही बिना बुना उतारेंगे। ये देखिए, 3 फंदे रेड हम उल्टे बुनेंगे और व्हाइट फंदे को बिना बुना ही उतार देंगे। इसी तरह से इस सेकेंड रो को कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड रो सेकेंड कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो में आ जाते हैं हम राइट साइड में। यहाँ पर हम अपने व्हाइट कलर की ऊन का यूज करेंगे और सबसे पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे। सबसे पहला फंदा हमने यहाँ पर उल्टा बुना, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। ये 3 फंदे थे, पहला उल्टा बुना, दूसरे को सीधा बुन रहे हैं और तीसरे को फिर उल्टा बुनेंगे। तीनों फंदे हमने बुन लिए। अब ये जो हमारा रेड व्हाइट फंदा है जिसे हमने बिना बुना ही उतारा था, इसको हमें सीधा बुनना है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये फंदा हमारा सीधा आना चाहिए, ये कभी भी उल्टा ना हो। देखिए, ये पहला फंदा हमने उल्टा बुना, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, तीसरे को उल्टा बुनेंगे और इस तरह से ये जो हमारा व्हाइट फंदा है ये सीधा बन जाता है। सीधा फंदा बनाने के लिए धागा पीछे ले जाएंगे, उल्टा फंदा बनाने के लिए धागे को अपनी साइड लाएंगे। देखिए, 3 फंदे हमने बनाए, चौथा फंदा हमारा सीधा आ गया। राइट साइड रो 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड में आ जाते हैं रो 4 के लिए। यहाँ पर सारे फंदों को हमें पर्ल वाइज कंप्लीट करना है। देखिए, उल्टा बुनते हुए हम इनको पूरी सिलाई के सारे फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। अब फिफ्थ रो में आ जाते हैं राइट साइड में। यहाँ पर हम रेड कलर की ऊन का यूज करेंगे और पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। एक फंदा हमने सीधा बुनना है। देखिए, एक फंदे को हमने सीधा बुना, इसके बाद एक फंदा बिना बुना उतारेंगे और डिजाइन को अब रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे और एक फंदा बिना बुना, फिर से 3 फंदे सीधे एक फंदा बिना बुना। राइट साइड रो 5
कंप्लीट हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड में आ जाते हैं रो सिक्स के लिए। रॉन्ग साइड रो सिक्स में हमने रेड फंदों को उल्टा बुनना है। ये देखिए, ये रेड फंदा था, इसको हमने उल्टा बुना। इसके बाद जो वाइट फंदा है इसे एज इट इज उतारेंगे और फिर से रेड फंदों को बुनेंगे। इसी तरह से इस सिक्स रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए, रो नंबर सिक्स कंप्लीट हो गई है। अब रो सेवन में आ गए हैं राइट साइड में। यहाँ पर हम वाइट कलर की ऊन का यूज़ करेंगे और पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे। देखिए, पहला फंदा हमने उल्टा बुना। इसके बाद धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो वाइट फंदा है जिसे हमने बिना बुना उतारा था इसको सीधा बुनेंगे, जैसा कि हमने थर्ड सिलाई में किया था कि ये जो वाइट फंदा है इसको हमने सीधा ही बुनना होता है। देखिए, एक फंदा उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, तीन फंदों को हमने इस तरह से बुना। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और जो बिना बुना फंदा है इसको सीधा बुनेंगे। धागा पीछे, वाइट फंदा सीधा। देखिए, रो सेवन कंप्लीट हो गई है। रो एट में आ गए हैं और यहाँ पर हम सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए पर्ल वाइज इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक एक करके सारे फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। देखिए, डिज़ाइन की सभी आठ सलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब डिज़ाइन आगे बनाने के लिए इन आठों सलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो ये डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा। आई होप ये आपको पसंद आएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।